विद्यालय में शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में, बाकी उन लोग में क्या होना चाहिए ना कि अपने में ग्रुप में भी थोड़ा सा उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि सपोज जैसे कोई किसी का ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, किसी का हिस्ट्री वाला है, तो अपने पढ़ने के बाद जैसे एक स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी, एक हिस्ट्री देखा उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन से भी क्या होती है ना कुछ चीजें, कुछ स्टूडेंट की क्या होती है ना रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, किसी की हियरिंग हैबिट अच्छी होती है और वो इस चीज को नहीं समझ पाते। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ के याद कर पाते हैं। जिस दिन उनको इसमें समझ में आ जाएगा वो भी अच्छा होगा यहाँ पे, और एक दूसरे से क्या है कि वो उसको पढ़ाएगा तो रिविजन भी हो जाएगा। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस का उद्देश्य होना चाहिए हमारा रिविजन हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा चीज होता है कि अगर वो टेस्ट सीरीज होता है तो उसमें टेस्ट दे, उसका डिस्कशन देखें या खुद से डिस्कशन कर लें या कहीं पे भी, जैसे बहुत जगह पे डिस्कशन भी चलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ भी चलता है, हर जगह चलते हैं वो चीज। उसमें एक सावधानी बरतने की जरूरत है विद्यार्थियों को, कई बार कुछ किताबों में या कुछ शिक्षक लोग भी ना बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन डाल देते हैं, इससे कि वो एग्जाम से कोई रेलेवेंट नहीं है और जब वो बच्चे वहां क्वेश्चन में फंसते हैं तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम टू द पॉइंट क्वेश्चन है या नहीं है, और जो किताबें लिखी जा रही है उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं। अब जैसे बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर है, दोनों के एग्जाम पैटर्न में अंतर है, दोनों के पढ़ने में भी डिफरेंसेस है यहाँ पे, तो ये समझना जरूरी है। बच्चों क्या होता है कि कभी कभी वो इसी सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं बना पाए, उनको डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, मतलब टेस्ट देना ज्यादा जरूरी है। उनको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर एग्जाम में 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी से ना बनेगा, 10% कि नहीं बने, वो बनाने के लिए ही नहीं दिया जाता वहां पे, क्योंकि वो जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि 10% क्वेश्चन ऐसा डालो कि बने ही नहीं, वरना एग्जाम तो खिलवाड़ हो जाएगा, सब बनने लगे तो खिलवाड़ हो जाएगा वहां पे, और 10% किसी से नहीं बनेगा, बच गया जो 10% आता है वो जो पढ़ने में ठीक ठाक है उनके लिए बनेगा, यानी 20% क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको मतलब डिस्टर्ब कर देगा, और वो आप स्वीकार करके जाइए कि हमको 20% डिस्टर्ब करेगा, बाकी 80% क्वेश्चन जो होता है वो आप पढ़ने वाला विद्यार्थी बना सकता है, लास्ट का 10% किसी से ना बनेगा। और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है, टू द पॉइंट सिलेबस हो, रिलेवेंट पढ़ाई हो, टीचर्स का सहयोग लेना ज्यादा जरूरी होता है, विदाउट टीचर पढ़ेंगे तो डीरेल हो जाते हैं यहाँ पे, वो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसी में भटक जाते हैं, तो एक अच्छी किताब ले, मार्गदर्शन ले और उसी हिसाब से वो पढ़ाई।